हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर जिगर में। तो हमेशा की तरह नया करने वाले हम कुछ नए एक्सपेरिमेंट, उसमें बताएंगे हम आपको कि क्या होता है, कुछ नई नई मिलेंगी आपको जानकारियाँ, क्योंकि हम करते हैं ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें आता है आपको मज़ा, हंसी आए और कुछ जानकारी भी नहीं मिले। तो इसी के साथ आए हैं हम एक और नए टॉपिक के साथ, इस पर करने वाले आज हम एक्सपेरिमेंट। तो ये है एक मशीन जो कि आपने देखी होगी, ये एक साफ सफाई करने वाली मशीन होती है। आपने अभी तक देखा होगा कि इसको कैसे चलाया जाता है या फिर ये कैसे काम करती है। आज हम दिखाने वाले होते हैं इसके अंदर क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि इस मशीन के अंदर होता क्या क्या है, ये कैसे काम करती है। इसके लिए हमने लिया है ग्राइंडर। इस ग्राइंडर की मदद से इसको हम काटेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और ना जाने क्या क्या इसके साथ करेंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज हम करके दिखाने वाले हैं आपको। आपको अगर मजा आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए इस ग्राइंडर को रख लेते हैं हम एक साइड और मशीन को। उसके बाद ग्राइंडर की मदद से हम करते हैं इसको काटना चालू। ये देखिए ग्राइंडर है, इसमें बहुत खतरा होता है, आप इस बिल्कुल भी ट्राई ना करें। देखिए ये ग्राइंडर है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। आप बताइए गाइस, मैं इसको काटूं कहां से? यहां से इसकी हत्या हम कहां से करें? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इसके लिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले काटते हैं इसको यहां से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसकी मदद से हम इसे काट पाए। तो आपने देखा कि कटने में कितना टाइम लगा और कितनी मेहनत लगी। तो अभी हम दिखाने वाले हैं इसके अंदर क्या क्या होते हैं, पार्ट्स के नाम क्या क्या होते हैं और किस पार्ट्स का क्या काम होता है। इसके अंदर ये सारा सामान निकला है, ये जो डोरी है जो कि आउटपुट के लिए दी गई थी। इसके बाद ये बाहर का है जिससे हवा एक स्पीड के रूप में निकलती है, यानी कि हवा ज़्यादा दूर तक फैले ना, इसके लिए काम में आता है। उसके बाद ये निकला है सिंपल सा ये पंखा, क्योंकि ये मोटरों में रहता है, नॉर्मली हर मोटर में रहता है। ये कूलर की मोटर हो चाहे कोई सी भी हो, उसमें फ़ैन रहता है। उसके बाद ये है जो कॉइल, ये एल्युमिनियम का तार है। एल्युमिनियम के तार की मदद से ये मोटर चलती थी। हर मोटर में कोई ना कोई तार रहता है, इस समय एल्युमिनियम का है जो कि डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। और ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसके। ये स्विच है, स्विच के अंदर दिखाते हैं हम आपको ये कैसे कनेक्ट हुआ है एक दूसरे के। ये है रोडर, इसकी मदद से ही ये काम कर पाता है। मतलब ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि ना इसके बिना चल सकता है, ना इसके बिना। ये मोटर जो भी है, ये सब आपस में ये पूरे पार्ट्स कनेक्ट होते हैं उसके बाद ही चल पाती है। इसमें हर पार्ट्स की इम्पोर्टेंस होती है, अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस होती हैं। तो हमने दिखाया आपको कि इसके अंदर होता है क्या क्या। ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा? इसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये मशीन जो कि हवा का काम करती है उसे हमने नस्तो नाबूद कर दिया है। तो आपको कैसे लगा ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।